साउथ दिल्ली के तीगड़ी थाना इलाके के लोगों की भीड़ उस वक्त उमड़ पड़ी जब उन्हें किसी ने राशन मिलने की झूठी खबर दे दी। बता दें कि तीगड़ी थाने के सामने इलाके के कई लोग आकर जमा हो गए और हंगामा करने लगे। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई। लोगों का आरोप है कि उन्हें किसी ने सूचना दी कि सरकारी स्कूल में राशन मिल रहा है, जिसके बाद वह स्कूल में पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं मिला। हम लोगों को पता लगा कि राशन मिल रहा, हम लोग आए राशन लेने, यहाँ लग रहा था लाइन, किसी को पता नहीं चल रहा, न कोई बताने वाला कि आज मिलेगा कि कल मिलेगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। काफी तादाद में भीड़ है यहाँ पर, लगातार कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। हाँ, उसका सब ध्यान रखता है। हाँ, लेकिन बगल में पुलिस, ये क्या अपना पुलिस स्टेशन भी है, ये लोग भीड़ लगवाते हैं लोग पब्लिक, क्योंकि अभी ये लोग बताते कि नहीं राशन मिलेगा तो उसके बाद कोई राशन लाइन लगाओ मिल जाएगा ढंग से, तो आदमी लाइन से दूरी बना के रह लेता, लेकिन कोई बताने वाला यहाँ है नहीं। जहां एक और कोरोना वायरस से बचने के लिए लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, वहीं राशन मिलने की खबर पर लोग इसकी जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आए। लोगों ने सरकारी स्कूल और पुलिस थाने के सामने आकर भीड़ लगा दी। लोगों का कहना है कि उन्हें राशन के लिए लगातार गुमराह किया जा रहा है।